Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आर सेफ एट होम. सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई करेंट स्किन केयर रूटीन. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं देन यू नो दिस प्रॉपरली दैट रिसेंटली मैंने बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि जैसे ही ना मॉनसून सीजन स्टार्ट हुआ वैसे ही आई स्टार्टेड फेसिंग ब्रेकआउट इशूज ऑन माई फेस, स्पेशली चीक एरिया पर. आई डोंट नो, मे बी बिकॉज मास्क पहने से, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मास्क वेयर करने से ये जो एक्ने एंड ब्रेकआउट इश्यूज थे ये शायद मैंने फेस किया. आई डोंट नो द एक्चुअल रीजन, लेकिन बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स को मैंने काफी ज्यादा बहुत दिनों से एक्चुअली मैं ट्राई करना चाहती थी एंड मुझे लगा दिस विल बी द राइट टाइम, क्योंकि मेरे स्किन इतना ज्यादा सेंसिटिव हो रहा था ना मेरा स्किन. एंड उनका जो सेंसिटिव स्किन के लिए जो स्पेशली स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई दीज प्रोडक्ट्स, अगर ये वर्क करता है देन इट विल बी रियली हेल्पफुल और मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर पाऊंगी. सो दिस इज द बॉक्स एंड इसके अंदर है 4 स्किन केयर प्रोडक्ट्स. फर्स्ट इज ऑब्वियसली जो फेमस है बायोडर्मा का, ये बायोडर्मा सेंसिबायो H2O जो कि एक मेकअप रिमूवर है, माइसिलर वाटर भी आप बोल सकते हैं एंड दिस इज सो गुड. मतलब मैंने कभी भी इसे ट्राई आउट नहीं किया था एंड फर्स्ट टाइम आई ट्राइड दिस एंड आई एम पर्सनली इन लव विद दिस, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो टेक्सचर है एंड ये जिस तरह से आपके मेकअप को रिमूव करता है, इम्प्यूरिटीज एंड डर्ट को रिमूव करता है, आई जस्ट लव दैट. बहुत ही ज्यादा माइल्ड है स्किन पर येट इट डज द जॉब परफेक्टली. और इसका जो प्राइस है वो भी काफी मिनिमम है. सो जो स्क्रीन पर मैं ना इनके प्राइसेस मेंशन करती जाऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें एंड यू ऑल कैन सी मैंने इसे कितना इस्तेमाल कर लिया है. जस्ट इतना सा बाकी है ये. आई रियली हैव टू रीपर्चेस दिस वन, क्योंकि मैं इसके बगैर तो आजकल नहीं रह सकती, क्योंकि जब भी मैं कहीं पर बाहर जा रही हूँ द मिनिमम मेकअप आई यूज मैं हमेशा इससे ही ट्राई करती हूँ रिमूव करना उसे. और जब भी मैं शूट करती हूँ, जैसे ये जो हेवी मेकअप है ये भी ये बहुत ही इजी तरीके से रिमूव कर देता है और स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई इंक्लूडेड इन माई स्किन केयर रूटीन. बायोडर्मा सेंसिबायो H2O इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइसिलर वाटर जो बायोडर्मा ने क्रिएट किया था 1995 में. एंड आई हैव सीन सो मेनी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जैसे विक्टोरिया बेकहम टू प्रेज दिस माइसिलर वाटर एंड आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड टू यूज दिस वन. एंड ये जेंटली स्किन से जो भी मेकअप रेसिड्यू है उसे रिमूव कर देता है, वाटर प्रूफ मेकअप को भी रिमूव करता है. इसमें हाईली प्योरिफाइड एंड फार्मास्यूटिकल ग्रेड वाटर है एंड इट प्रिवेंट्स रिस्क ऑफ स्किन रिएक्शन. This is formulated with physiological pH of around 5.5, which is great. So मुझे तो ये इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा लगा and it deeply and gently removes all the makeup from your skin. नेक्स्ट मैंने बायोडर्मा का ये जो फेस वॉश है, ये फेस वॉश ट्राई आउट किया है एंड इसकी हालत से ही आप लोग पता कर सकते हैं कि मैंने इसे कितना इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये शायद एक या दो बार ही मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली ओवर. ये फिनिश हो चुका है, मैंने इसे इतना बार इस्तेमाल किया है एंड ये है बायोडर्मा सेंसिबायो जेल मूजेंट. दिस इज सच एन अमेजिंग फेस वॉश. ये सेंसिटिव स्किन के लिए तो परफेक्ट है ही, बट आई थिंक दिस विल बी परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्किन को ड्राई या ऑयली नहीं बनाता. ये एकदम स्किन को क्लियर बनाता है, इम्प्यूरिटीज को अच्छी तरीके से रिमूव करता है, एनी रेसिड्यू ऑफ मेकअप उसे भी अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है एंड ये एक सूदिंग माइसलर क्लेंजिंग फोमिंग जेल है. ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड इसका कंसिस्टेंसी है. ये सोप फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, कोई फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है एंड फिजियोलॉजिकल पीएच को मेंटेन करता है. आईज के लिए भी काफी अच्छा है, आईज को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता, आपकी स्किन को भी इरिटेट नहीं करेगा. एंड फिर पैड ड्राई करने के बाद आई ऑलवेज अप्लाई दिस वन. ये है बायोडर्मा सेंसिबायो टॉनिक. एक्चुअली यू ऑल नो दैट कि मैं हमेशा टोनर इस्तेमाल करती हूँ. मैं फेस वॉश इस्तेमाल करूँ उसके बाद मैं हमेशा टोनर ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है. सो आई ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन टू माई स्किन, लेकिन बिल्कुल भी पैची या ऑयलीनेस मुझे नहीं चाहिए. टोनर्स आर सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके जो पोर्स है उसे क्लोज कर देता है, स्किन को काफी प्रेप करता है. अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो टोनर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एक कोई भी आप कॉटन बॉल लीजिए, उसमें एक
एक या दो ड्रॉप आप डिप कीजिए एंड जस्ट उसको अपने फेस पर वाइप कर लीजिए. एंड गेस व्हाट, अगर कोई भी गलती से भी कोई भी मेकअप रेसिड्यू वगैरह रह जाता है ना, इम्प्यूरिटीज रह जाता है, तो ये टोनिंग सोल्यूशन उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है, विच इज द बेस्ट पार्ट. और ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया. सेंसिबायो टॉनिक एक सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग लोशन है. एक्सटर्नल स्ट्रेस हमारे स्किन को रिएक्टिव एंड सेंसिटिव बना देता है. सो दिस टॉनिंग लोशन इंक्रीजेस स्किन टॉलरेंस थ्रेशोल्ड रिगार्डलेस ऑफ द स्किन टाइप. ये इंस्टेंटली टोन करेगा, रिफ्रेश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा हमारे स्किन को. नेक्स्ट, डे टाइम में सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप घर पे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, ऑलवेज टॉप इट ऑफ विद द सनस्क्रीन. सो बायोडर्मा का ये जो फोटोडर्म मैक्स सनस्क्रीन है विथ SPF 50 प्लस का प्रोटेक्शन, ये मुझे चाहिए ही था. बट देर आर सम सनस्क्रीन जिसे इस्तेमाल करने से मेरे फेस पर और भी ज्यादा ब्रेकआउट प्रॉब्लम्स मैं फेस करती हूँ, और भी ज्यादा पिंपल प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है. सो ये सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेशली है. सो आई थॉट लेट मी ट्राई दिस वन एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता. आपकी स्किन पर ब्रेकआउट्स है, पिंपल एक्नी प्रॉब्लम है, इट वॉन्ट इरिटेट योर स्किन एट ऑल. बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मूला है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज वाटर रेजिस्टेंट. आप इसे अप्लाई करके स्विमिंग भी कर सकते हैं. आप अगर जिमिंग करना चाहते हैं तो उसमें स्वेटिंग के कारण कभी कभार सनस्क्रीन निकल जाता है. रनिंग साइकिलिंग के वक्त सनस्क्रीन निकल जाता है. बट ये वाटर रेजिस्टेंट है. बट स्विमिंग के बाद आपको इसे रीअप्लाई करना पड़ेगा. दैट्स ऑब्वियस, आपको रीअप्लाई तो करना ही पड़ेगा. बट दिस गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन रेज. इस तरह का एक येलो कार्डबोर्ड केस है एंड इस कार्डबोर्ड केस के अंदर है ये सनस्क्रीन, जो कि इस तरह के पैकेजिंग में आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से ट्रैवल फ्रेंडली एंड यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि आप अपने पर्स में हैंड बैग में इसे ले सकते हैं. एंड जस्ट वन ड्रॉप इज क्वाइट इनफ. थोड़ा सा वॉटरी टेक्सचर है इसका, बट नॉट दैट वॉटरी. एंड जस्ट सी इसका टेक्सचर कितना अच्छा है. हाँ, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्हाइट कास्ट छोड़ेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वंस इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड, ये बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्किन के साथ मिक्स हो जाता है. कोई एज सच व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो सनस्क्रीन ना व्हाइट कास्ट छोड़ते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. एंड यू कैन सी बिल्कुल भी यू नो ऑयली या कुछ ऐसा नहीं छोड़ता, ये ऑयलीनेस बिल्कुल भी नहीं देता, विच इज ऑल्सो द बेस्ट पार्ट, क्योंकि मुझे ऑयलीनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है. फोटोडर्म मैक्स क्रीम विद SPF 50 प्लस प्रोटेक्शन इज वेरी हाई फोटो प्रोटेक्शन सनस्क्रीन विद 99.8% DNA प्रोटेक्शन. ये प्री मच्योर स्किन एजिंग को प्रिवेंट करता है एंड UVA UVB रे से प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को. इट हैज़ सेलुलर बायो प्रोटेक्शन पेटेंट. इसका एक मेल्टिंग टेक्सचर है, इसमें कोई वाइट कास्ट ये नहीं छोड़ता, कोई ऑयलीनेस नहीं छोड़ता. सो दिस इज़ रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. नॉन कॉमेडोजेनिक है, अनफ्रेग्रेंस्ड है एंड वाटर रेजिस्टेंट है. सो या गाइस, ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है ना, ये मैं पिछले 1-1.5 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड आप लोग फेस वॉश की हालत से तो आपको पता ही चल रहा है कि मैं कितने दिनों से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ एंड हाउ आई एम इन लव विद दिस फेस वॉश. मुझे जो बेस्ट प्रोडक्ट लगी ना इन सारे प्रोडक्ट्स में से, वो तो ये फेस वॉश है एंड दिस मेकअप रिमूवर. ये मुझे बेस्ट लगी इन सारे प्रोडक्ट्स में से. बट बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स मैंने पहली बार ट्राई किया है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो काफी अच्छा ही रहा है. और मेरी स्किन पर जो ब्रेकआउट्स इश्यूज थे ना, वो काफी हद तक रिड्यूस भी हो गई है. सो आई एम क्वाइट हैप्पी. सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है. मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय.